मेरठ विकास प्राधिकरण से शिक्षण संस्थान के लिए खरीदी गई जमीन पर कैसे कॉम्प्लेक्स बनने दिया, यह बड़ा सवाल है। यह कॉम्प्लेक्स का खेल एक भाजपा नेता ने कर दिया है। भाजपा नेता इस कॉम्प्लेक्स के निर्माण को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। प्राधिकरण इंजीनियरों ने इस कॉम्प्लेक्स को कैसे बनने दिया, जब जमीन शिक्षण संस्थान के लिए आवंटित की गई थी, तो फिर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स कैसे बन गया। दरअसल भाजपा नेता के भ्रष्टाचार के इस महल को लेकर खूब चर्चा हो रही है। क्या इस भ्रष्टाचार की महल पर एमडीए का बुलडोजर चलेगा या फिर नहीं? भाजपा नेता के रसूख के चलते बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा, इसका कोई मानचित्र स्वीकृत नहीं हुआ, क्योंकि शिक्षण संस्थान के लिए आवंटित जमीन पर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता, इसी वजह से इस पर अनाधिकृत बिल्डिंग बना दी गई है। आखिर कौन थे ये अधिकारी जिन्होंने भ्रष्टाचार का महल बनने दिया? शिक्षण संस्थान के नाम पर बड़ा घालमेल किया गया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं पलहेड़ा चौराहे पर बने कॉम्प्लेक्स की। ये कॉम्प्लेक्स विक्रांत चौधरी का है, जो वर्तमान में भाजपा किसान मोर्चा का जिला महामंत्री के पद पर तैनात है। एक केंद्रीय राज्य मंत्री का भी विक्रांत को करीबी बताया जाता है। एमडी ने इसमें सिर्फ नोटिस का खेल लंबे समय तक खेला गया। ये कॉम्प्लेक्स एक या दो दिन में नहीं बना, बल्कि इसमें 2 से 3 साल लगे। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस कॉम्प्लेक्स को बनवाने में रसूख और भ्रष्टाचार का खेल खूब खेला गया, जिसके चलते ये कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया। अब क्या एमडीए के अधिकारी कॉम्प्लेक्स को गिराने के साथ ही एमडीए के जिम्मेदार इंजीनियरों पर भी कार्यवाही करेंगे या फिर नहीं? अब यह मामला लखनऊ तक गूंज गया है, तो इसमें एमडीए को इस कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन जिम्मेदार इंजीनियरों पर भी कार्यवाही करनी चाहिए। आखिर कब चलेगा बुलडोजर, इस पर शहर के लोगों की निगाहें लगी हुई है। उधर एमडीए इंजीनियरों का कहना है कि कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण का आदेश है, फोर्स नहीं मिलने पर कार्यवाही नहीं हो पाई थी, अब फिर से फोर्स की मांग की जाएगी। फिर इस कॉम्प्लेक्स का भू उपयोग बदलने के लिए शासन में अर्जी दी गई थी। शासन से इसको लेकर एक पत्र एमडीए के पास भी आया था। भू उपयोग बदलने के लिए एमडीए बोर्ड में प्रस्ताव रखा जाएगा, इसके बाद फिर शासन में भेजा जाएगा। लेकिन अब ऐसा बताकर एमडीए इंजीनियर लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं।